तो कल रात हम यहीं सोए थे, ये रहा रूम और अपना सारा सामान यहाँ था, तो इसे हमने पैक कर लिया और साइकिलें हैं यहाँ खड़ी, तो अभी जल्दी से हम सामान पैक करते हैं साइकिलों पे और फिर निकलते हैं। तो यहाँ पे चल रही अपनी साइकिलों की पैकिंग, बैग रखे नीचे, पैनियर बैग अभी लगाने हैं और राहुल भाई के टायर में हवा थोड़ी कम है। राहुल भाई हवा भर रहे हो क्या? हाँ यार, एक आगे वाले इसको टायर हवा भर दी है। अच्छा 60 PSI। हाँ चलो मैं 60 PSI भर दूँ। ओके, तो अभी खाने में है अपनी कढ़ी चावल, तो कढ़ी चावल खाते और निकल देंगे। अन्नपूर्णा रसोई में हमने अभी खाना खा लिया, यहाँ पे 10 रुपये में खाना खिलाते बट हमसे उन्होंने लिए नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पहाड़ी राइडर MG जो निकला हूँ जागेश्वर धाम से अयोध्या बाईसाइकिल यात्रा पे, और आज मेरा है 8वां दिन और मैं रुका था गोला के, जिसे छोटा काशी भी बोला जाता है, ये रैन बसेरा है, यहाँ पे हम रुके थे और अभी हमने भोजन कर लिया और आज की यात्रा करते हैं हम स्टार्ट। हर रोज का अलग अलग हाँ मैंने देख लिया बढ़िया, आपने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रही थी, पहली बार हो लगातार हो गया। अरे नहीं, आपकी व्यवस्था देख के हमें ये लगा कि हमारे शहर में भी ऐसी व्यवस्था होगी तो बड़ा बढ़िया करो। यात्रा होगी शुरू। यहाँ पे जो चेयरमैन थे यहाँ के गोला के, उन्होंने हमारा स्वागत किया। और तो अभी हम निकल रहे हैं गोला से आगे की तरफ, कल हम रुके थे बाबानाथ उस पे और यहाँ के जो चेयरमैन थे उन्होंने हमारा स्वागत किया, हम उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। जय श्री राम। मेन चौक पे पहुँच चुके हैं हम गोला के, तो ये अंकल जी हैं जो हमें आगे से लेके आए चाय पानी के लिए। तो एक अंकल थे, उन्होंने हमें रोका और रसगुल्ले खाने को दिए। चलो इस यात्रा के बीच में आज हम लोग गोला पे हैं और यहाँ से अपनी यात्रा आगे की तरफ कर रहे हैं। आप भैया जागेश्वर धाम से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और हमने जागेश्वर धाम से अयोध्या तक की साइकिल यात्रा और आज हम हैं गोला में और यहाँ के लोगों ने हमारा काफ़ी अच्छा स्वागत किया, शुक्रिया उन सभी लोगों का। जय श्री राम। मेरा नाम राहुल शाह है। तो अभी हम गोला से करीब 1 किलोमीटर आगे निकले हैं, गोला में काफ़ी टाइम लग गया था यार, क्योंकि 2-3 जगह अपना स्वागत हुआ, पहले तो चेयरमैन साहब ने वहाँ के स्वागत किया, फिर आगे जाके कोई और मिल गया था उन लोगों ने स्वागत किया, तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो अभी हम निकल पड़े हैं फिर से अपनी यात्रा में। गोला से निकलते ही इतनी ख़राब रोड मिल गई ना हमें, बहुत ज़्यादा, बाकी रोड के किनारे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, शायद इस वजह से ये रोड ख़राब हो रखी है, बट बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है यार, क्योंकि यहाँ पे अपने को चलने पे बड़ी दिक्कत हो रही है, पूरे गड्ढे हैं और ट्रैफिक इतना है बहुत ज़्यादा। तो अभी मेन रोड पे चले हैं और रोड के किनारे देखो ये छोटे छोटे कस्बे टाइप के बने हैं घर, घास फूस से ये, और गाय भैंस बांध रखी इन्होंने घर के बाहर ये, तो ये सब देखने को मिलता है यार जब आप एक लंबे ट्रैवल पे निकलते हो, काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है नई नई। तो ऐसे काफ़ी भाई लोग मिलते रहते हैं राम भक्त, जो पूछते रहते हैं और एक मोटिवेशन देते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है आगे जाने के लिए, थकान दूर होती है, ऐसे लोग जब मिलते हैं बोल ऑल द बेस्ट
काफी अच्छा काम कर रही हो। ये देखो बैलगाड़ी पे ले जा रहे गन्ने भर भर के। तो चलते चलते अपने को दिखे काफी लोग, ये देखो लकड़ियां काट रहे हैं यहाँ से और अपनी बकरियां चराने भी आए हैं। आज निकली है धूप अच्छी, हल्का हल्का कोहरा, तो ये पॉल्यूशन की वजह से दिखता ही है सिटी में, बट धूप सही निकल लगी है, थोड़ी गर्मी होने लगी है। तो आज का सफर हमारा जारी है गोला से लखीमपुर खीरी की तरफ। तो ऐसे राम भक्त मिलते रहते हैं रास्ते में जो सेल्फी फोटो लेते रहते हैं अपने साथ। ये देखो ट्रैफिक लखीमपुर से करीब 10 किलोमीटर पीछे है। और यहाँ पे रोडों की साइड में ना गोबर के उपले बने हुए काफी दिखेंगे जब आप इस रोड से निकलोगे। ये सारे बना रखे हैं सर्दियों में जलाने के लिए। तो एक भैया मिले थे अभी, मैं वीडियो बना नहीं पाया, उन्होंने 500 रुपये पकड़ाए थे मुझे रोक के कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो अभी हमने पार किया है रेलवे फाटक, ये रहा सामने रेलवे फाटक। तो चलते चलते हमें दिखाई लखीमपुर से थोड़ा सा पीछे एक कस्बा, हल्की सी छोटी सी मार्केट है। तो लखीमपुर खीरी की तरफ हम जा रहे थे और ये भैया मिले। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से चले हो भैया? हम लोग वीरा से चले हैं। ये वीरा कौन सी जगह? लखीमपुर से अभी। ये भैया और कहाँ से कहाँ तक का सफर? हम लोगों का वीरा से गोला से जा रहे हैं अयोध्या। कितने दिन की यात्रा है आपकी? 22 जनवरी को पहुँचना है, एक हफ्ते की यात्रा है हमारी। अच्छा, पैदल? पैदल यात्रा। तो ये भैया लोग चले हैं पैदल, 22 तारीख को आपको पहुँचना है वहाँ। जय श्री राम जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय जय श्री राम। अभी हम खाने के लिए रुके हैं अन्नपूर्णा ढाबा पे, खाना खाते हैं और उसके बाद करते हैं अपनी यात्रा फिर शुरू। राहुल भाई खाना लगवा लिया? खाना लगवा लिया। तो ये लग चुका है अपना खाना, रोटी, अभी चावल आने वाले हैं और सब्जी, छोले और दाल। मोंदा चल रहा है खाना और स्वागत की माला आज गले में ही लटकी है, आज शाम को उतारेंगे। राहुल भाई स्वागत तगड़ा हुआ है इसी बात पे, खाना दबा के। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है और ये रही अपनी साइकिल है। तो अब चलते हैं लखीमपुर खीरी की साइड, थोड़ी देर में शाम होने वाली भी है, अपने को अभी आगे की तरफ निकलना है। 4-5 किलोमीटर और रह गया लखीमपुर। क्या आ रहा है ये कुछ अलग ही देखने को मिला, पता नहीं किस चीज़ की मशीन है। तो चलते चलते जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है मैं वो आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों की तरह अच्छे अच्छे व्यू देखने को नहीं मिल पा रहे, क्योंकि एक तो मौसम देख ही सकते हो कैसा हो रखा है, धुंध पड़ी है एकदम, और व्यू बस वही रहता है किनारे से गेहूं के खेत, गन्ने के खेत, वो भी मैं कब तक दिखाऊंगा। तो कुछ चीज़ें जैसे ही नहीं दिखती है तो मैं कैप्चर कर लेता हूँ और आप लोगों तक शेयर कर लेता हूँ। तो सामने मेरे को चलते चलते दिखाई दिया मोर, काफ़ी दूर है, सांप नहीं दिखाई दे रहा। ये देखो बहुत बड़ा है मोर। थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं लखीमपुर रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि वहां पे रैन बसेरा है, हमने पता कर लिया अभी। जय श्री राम। तो ऐसे बीच रास्ते पे काफ़ी लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो अपना जोश और बढ़ जाता है, उत्साह एकदम, और फिर हम साइकिल और तेज़ी से खींचते हैं आगे की तरफ। अभी जो रैन बसेरा है वो है रेलवे स्टेशन के पास लखीमपुर, तो हम वहीं जा रहे हैं, आज वहीं स्टे करेंगे। ये मेरे दोस्त साथी मोंदा और राहुल भाई जो चले हैं आगे से और मैं इनको कर रहा हूँ फॉलो, और शाम होने को है, अभी बजे शाम के 5, तो सही टाइम हो गया हम अपने जो आज डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने वाले हैं जल्दी, क्योंकि रात को राइड करना सेफ नहीं है। एक तो यहाँ पे कोहरा लगा रहता है, बाकी
बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो इसलिए दिन में ही राइड करो और जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचो और रेस्ट करो। तो अभी हम चल रहे हैं लखीमपुर में और यहाँ से करीब रेलवे स्टेशन है, लखीमपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो 4 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहीं एक रैन बसेरा है। आज हमने सोचा कि उसी रैन बसेरे में स्टे करते हैं, देखते हैं वहाँ जाके कि रैन बसेरे में रूम मिलता है या नहीं मिलता। तो अभी हम यहाँ ढूंढ रहे हैं नगर पालिका जहाँ हमें रहना है आज रैन बसेरे पे, तो पुलिस वाले अंकल से पूछा हमने। तो अभी हम रैन बसेरे की तलाश में चल रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे। तो फाइनली हमें जगह मिल गई रैन बसेरा, ये देखो, तो इसी पे रहेंगे हम, साइकिलें यहाँ खड़ी करते हैं और सो जाते हैं कहीं पे। तो यहाँ पे हमने लगा ली अपनी साइकिलें एक के बाद एक और यहाँ पे अब कर दिए सोने की व्यवस्था, चार्जिंग पॉइंट भी है। आप ये देखो कितने सारे लोग सो रखे हैं आगे तक, इस साइड भी, इस साइड भी, यहाँ लेडीज साइड है और इस साइड पे पूरे लोग सो रखे हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए रैन बसेरे पे और आज हम यहीं रहेंगे और यहीं से करेंगे हम कल की यात्रा शुरू। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और जैसे शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।